केटीआर ने आज रियासत में एलआरएस यानी लैंड रेगुलराइजेशन स्कीम के ऑनलाइन और मी सेवा का फॉर्मली इफ्तिताह अंजाम दिया। साथ ही अवामी शऊर उजागर करने के लिए खुसूसी पोस्टर की इजाजत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। तेलंगाना के वजीर मल्ला रेड्डी ने आज विवेकानंदा एमएलए के साथ जिले मेड़चल के शाहपुर ईएसआई हॉस्पिटल का दौरा करते हुए डायबिटीज, किडनीज और कैंसर पेशेंट्स में अनगिनत मेडिकल किट्स तकसीम किए और बतलाया कि इस हॉस्पिटल के जरिए करीब 1100 गुर्दों के अमराज और 500 कैंसर व डायबिटीज के गरीब मरीजों का इलाज व मुआलजा चल रहा है। किडनी पेशेंट कैंसर पेशेंट नेसम वाले मंदल पानी कार्यक्रम पंपणी कार्यक्रम दाखी गौरव స్థానిక ఎమ్మెల్యే వివేకానంద గారు మా స్థానిక కార్పొరేటర్ మంత్రి సత్యనారాయణ గారు రఫీక్ 1 ఇయర్స్ అండి మందులు సరిగా లేకుండా పేషెంట్లకు సరిగా సరఫరా లేకుండా ఇప్పుడంతా దాన్ని స్ట్రీమ్ లైన్ చేసి వాటాన 1100 మంది కిడ్నీ పేషెంట్లు ఉన్నారు 500 మంది క్యాన్సర్ పేషెంట్లు ఉన్నారు తప్పకుండా వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రతి నెల సరిపోయిన మందులన్నీ కూడా ప్యాక్ చేసి సెపరేట్గా వాళ్ళకి ఎక్కడైతే అడ్రస్ ఉంటారో ఆ ఏరియాలోనే వాళ్ళకి పంపిణీ కార్యక్రమం కూడా జరుగుతుంది 100% ఈఎస్ఐల ఇన్సూరెన్స్ ఉన్న పేషెంట్లందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మందులు 100% స్టాక్ పెట్టాము మొత్తం అన్ని సెంటర్లలో కూడా 73 సెంటర్లు ఉన్నాయి తెలంగాణలో 73 సెంటర్లలో కూడా మందులు కూడా ఫుల్ పెడుతున్నాము ఇంకా దాని మీదే ప్రాసెస్లో ఉన్నాము తప్పకుండా ఈ పేషెంట్లకు కూడా ఇప్పటిదాకా మేము మందులు సరఫరా చేయలేదు ఈఎస్ఐ సన్నద్ధంగా చేస్తుంటే ఇప్పటిదండి వాళ్ళకు కూడా మందులన్నీ కూడా సరఫరా చేసే బాధ్యత మా మీద ఉందండి। ज़िले मेड़चल के बेग बशीराबाद पुलिस हदूद में तालीमी हुसूल के लिए वैजाग से आकर यहां पर रहने बसने वाली एक ख़ानदान की 22 साल नौजवान लड़की की इस्मत रेजी का एक हादसा आज सामने आया जो कि काफ़ी अरसे से धमकियों के साथ किया जा रहा था। एसीपी पीट बशीराबाद डिवीज़न ने आज इसकी तफसीलात फराहम की। तन पेदना तन पै गत संवर पिछड़ी मैमाटल ची अत्याचार दीन रेप के नमो दर्याप्त जो निंदो हईदराबा तंत्री वेरे चोट उठा ती पिल तो हैदराबाद पिल चल कोसम हैदराबाद अम्मा पेदना हैदराबाद इधर प्राप्त दगर इंटर तरच इंटेदे अम्मा जिले रंगारेड्डी के मोइनाबाद मंडल की अपर रेड्डीगुड़ा सड़क पर तेजी से चेवड़ला से आने वाली एक आरटीसी बस ने वहां पर खड़ी की गई एक आल्टो कार को टक्कर देने का हादसा पेश आया जबकि कार के लोग खुशकिस्मती से कुछ काम से बाहर निकले हुए थे लिहाजा लोग तो जख्मी होने से बच गए लेकिन ज़बरदस्त अंदाज में कार जख्मी हो गई। वाज़ह रहे कि आरटीसी बस ड्राइवरों की एक तारीख रही है कि एम्बुलेंसेस के परे इनके खिलाफ में आज तक जितने केसेस भी बनाए गए वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। तेलंगाना के वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज तेलंगाना गौड़ यूनाइटेड कमेटी के अहतमाम करदा एक तकरीब में मेहमान खसूसी की हैसियत से शरीक होते हुए चेहरों के मास्क की मुखालिफत के पस मंज़र में बरादरी के लोगों को चेहरों पर अभी दस्तियाँ लगाने का मशवरा दिया। इस मौके पर वहाँ पर मौजूद थे कमेटी के सदर ए नारायण गौड़ के साथ साथ
పి లక్ష్మణరావు గౌడ్, వేములయ్య గౌడ్, భిక్షాపతి గౌడ్ వగైరా వగైరా। वाज रहे कि चेहरों के मास्क के ताल्लुक से अब ये बात पाया सबूत को पहुंच गई है कि सिर्फ मुतासर लोगों से मुलाकात या फिर दवाखानों के दौरों के मौके पर इन्हें इस्तेमाल करना अहमियत का है। इसके अलावा हर वक्त मास्क के इस्तेमाल से पानी में मौजूद सारी मादनियात जो कि जिस्म के लिए ज़रूरी होती हैं छन कर पानी जिस्म में जाता है। आगे ऑक्सीजन के ताल्लुक से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। शहर हैदराबाद के बहुत सारे इलाके जात में आज जोरदार बारिश ने नशीबी इलाकों को तालाबों में तब्दील कर दिया। गच्ची बोली, माधवपुर, कोंडापुर, मियापुर, चंदनगर वगैरह वगैरह पांच कहलाए जाने वाले इलाके जात में ज़बरदस्त बारिश ने ओल्ड सिटी का मंजर वहां पर ला दिया। अब देखना है कि आगे इस तरह की बारिश से सारे इलाकों में क्या नतीजे निकलते हैं। जबकि GHMC की जानिब से शहर की तरक्की के लिए बड़े बड़े बजट सैंक्शन किए ही जा रहे हैं। मुल्क और रियासत में अरसे दराज से लॉकडाउन वाले माहौल के चलते बड़ी मिन्नतों के बाद अब जाकर आज तेलंगाना असेंबली का इजलास शुरू हुआ जो कि 28 सितंबर तक चलाए जाने की बात सामने लाई गई है। साथ ही वक्तन फोक्तन इसे आगे बढ़ाने का भी मंसूबा तैयार रखा गया है, जिसमें क्वेश्चन आवर को दिन के इब्तदाई दौर में ला दिया गया जिसमें सिर्फ 6 सवालों की गुंजाइश रखी गई है और 0 आवर के लिए आधे घंटे का वक्त मुख्तस किया गया है। शाम 4-6 लेजिस्लेचर्स की मीटिंग में पेश किए जाने वाले बिल्स पर बहस व मुबाहसा किया जाएगा, जिसके बाद ये बिल्स असेंबली में करारदाद के लिए पेश किए जाएंगे। असेंबली के आगाज पर आज साबिका वजीर आजम PV नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि पेश की गई, जिनकी अर्धजली लाश को कुत्ते खींचकर ले जाते हुए वायरल वीडियोज को सारी दुनिया ने देखा था। वैसे असेंबली की बर्खास्तगी के बाद आज लेजिस्लेटिव बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने स्पीकर असेंबली पी श्रीनिवास रेड्डी की क़ियादत में एक मीटिंग रखी जिसमें सभी सियासी पार्टियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर असेंबली की कार्रवाइयों को पुरसुकून अंदाज में चलाने के लिए सभी से राय मशवरे किए गए। तेलंगाना के म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट के वजीर KTR ने आज रियासत में LRS यानी लैंड रेगुलराइजेशन स्कीम के ऑनलाइन और मी सेवा का फॉर्मली इफ्तिताह अंजाम दिया। साथ ही अवामी शऊर उजागर करने के लिए खुसूसी पोस्टर की इजराई भी अमल में लाई और अवाम से गुजारिश की कि इस कानून का गलत फ़ायदा ना उठाएं। ऐसे रजिस्टर्ड सेल डीड्स या टाइटल डीड्स जो 28 अगस्त से कबल तक मुकम्मल थे उन्हें फी पे करने पर LRS दे दिया जाएगा। सिकंदराबाद की PG रोड पर वाक़ सिंधी कॉलोनी की एक इमारत में जॉब्स का झांसा देकर सैकड़ों नौजवानों से पैसा ऐंठ लेने वाले दो अफराद के खिलाफ में महकमा पुलिस की WCO टीम 11 CCSDD के लोगों ने हरकत में आते हुए कुमारी राजेश्वरी और दीगर उसके 13 मुतासरा नौजवान साथियों की शिकायत को रोबे अमल में लाया और बतलाया कि कई लोगों से नौकरियों के नाम पर पैसा लेकर पिछले साल दिसंबर 2019 में ऑफिस को ताला मारकर चंपत हो गए थे दो नौजवान, उनके खिलाफ में अब यह शिकायत पुलिस तक पहुंची है। लिहाजा एडिशनल DCP N महेंद्र और ACP G वेंकटेश्वरलू की क़ियादत में इंस्पेक्टर K मनोज कुमार ने अपने स्टाफ के साथ एक इतला पर एक जगह धावा करते हुए दो बदमाश K संजय कुमार और K यामिनी को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया है। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने आज स्टेट जिला परिषद कोऑपरेटिव फोरम के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मदार और स्टेट MPTC फोरम की जानिब से अहतमाम करदा एक तकरीब में शिरकत की, जहां पर इन्हें स्टेट जिला परिषद कोऑप्शन फोरम का वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब कर लिया गया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने सभी से रियासत की तरक्की में जुड़ जाने की ख्वाहिश की। तेलंगाना के वजीर आबकारी व सयाहत वीर श्रीनिवास गौड़ ने आज राजेंद्र नगर डिवीजन के पोपुलगुड़ा का दौरा करते हुए महकमे एक्साइज व पाम सोसाइटी की 170 एकड़ अराजी में करीब 10,000 पाम के बीज जमीन में पेरे। इस मौके पर उनके साथ मौजूद थे मुकामी MLA टी प्रकाश गौड़, एक्साइज डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर अजय राव, DC खुरैशी, ES गणेश गौड़, इनके साथ साथ पाम सोसाइटी के सुदूर रिटायर्ड DC VS रेड्डी और बहुत सारा ऑब्जर्वेटरी का स्टाफ भी। शहर हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने आज MLA के वेंकटेश और दीगर बहुत सारे आला सतही होदेदारों के साथ अंबरपेट में वाक़ मसानगट्टी, अंबरपेट जंक्शन और नागोल मेट्रो की सड़क के तौसी व तामीरी कामों का जायजा लिया।
और 150 फीट लिंक रोड के स्टडी रिपोर्ट एक हफ्ते में दाखिल करने की हिदायत भी दी। जिले रंगारेड्डी के बीजेपी प्रेसिडेंट मधुसूदन रेड्डी को आज अचानक हुकूमत का जियो 111 याद आ गया और उन्होंने अपने कई हामियों के साथ इसके खिलाफ एहतजाज करते हुए हुकूमत को याद दिलाया कि सत्ता में आने से पहले हुकूमत ने वादा किया था कि सत्ता में आते ही 6 महीने में जियो को हटा देगी, लेकिन दूसरे सारे वादों की तरह ये वादा भी धरा का धरा रह गया है। लिहाजा चेवड़ला मंडल के करीब 84 ग्राम पंचायतों जैसे शमशाबाद, शंकरपल्ली, मोइनाबाद, कोतुर वगैरह इससे मुतासिर हो गए हैं। इन्होंने मोइनाबाद मंडल की तहसीलदार अनिता को इस सिलसिले में एक याददाश्त भी पेश की और जल्द से जल्द जियो 111 को रद्द करने पर जोर डाला। साथ ही टीआरएस गवर्नमेंट की नई स्कीम एलआरएस पर भी इन्होंने सख्त तनकीद की कि एक ऐसे वक्त में जबकि लोग लॉकडाउन के बाद किसी तरह से सुधरने भी नहीं पाए थे कि हुकूमत ने एलआरएस लाकर आवाम पर एक नया बोझ लादने की कोशिश कर दी है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, एचपी, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी नहायत ही वाजबी दाम पर दस्तियाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो एचडी क्लियरिटी के साथ दस्तियाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बेसाइड रियान होटल हैदराबाद, डायरेक्टर सैयद राशिद अली, फोन 9849715954। टॉप सेलेक्ट।